जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते एक दुकानदार पर किया मामला दर्ज, दुकान को किया गया सील। टीकमगढ़ में शासनी गाइडलाइन के चलते शहर में चल रहे कोरोना कर्फ्यू के चलते जहां सारा शहर बंद है, वहीं दुख छिपकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते एक दुकानदार की सूचना मिली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। दो लोगों पर किया गया मामला दर्ज। मुखबिर की सूचना पर सिंघई वस्त्रालय कसगर गली में पुलिस के पहुंचने पर दुकानदार अनिल जैन दुकान के अंदर 5 से 6 ग्राहकों को बाहर से ताला लगाकर भाग गया। वहीं दुकान के अंदर अनिल जैन का भाई मनीष जैन भी था। कार्रवाई में करीब 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस दुकान के बाहर खड़ी रही। तहसीलदार टीकमगढ़ के आने पर थाना प्रभारी कोतवाली बीरन सिंह पवार की उपस्थिति में दुकानदार को बड़ी मुश्किल से बुलाकर मीडिया और लोगों के सामने ताला खोला गया तो देखा कि दुकान के अंदर से ग्राहकों में 3 महिला और 1 पुरुष बाहर आए। तहसीलदार के द्वारा मौके पर दुकान को सील कर दिया गया। दुकानदार दोनों भाइयों को पैदल थाना कोतवाली में लाकर पुलिस ने FIR दर्ज की गई। बोलो नाम बोलो। भाई अंदर 4 से 5 घंटे में पुलिस अपने आप।